मैंने सरसा दे कंडे ते अपने पुत्र अजीत सिंह वाले वेखिया। महाराज की हुक्मा वैरी नजदीक बिलकुल आ गया। सतगुरु कहन लगे वैरी का रस्ता रोक ले जाए। ओना चिर छातियां डा के बाबा अजीत सिंह बाबा जीवन सिंह भाई उदय सिंह ने मुकाबला किया जिन्ना चिर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपना नितनेम नहीं कर लिया। क्योंकि अमृत वेला हो चुका सी। संत सिंह ने आख्या महाराज जी पिछे वैरी चढ़िया आंदा अगे सरसा चढ़ी आ सरसा पार कर दिए ते नितनेम फेर कर लांगे। महाराज कहन लगे जे वेला वक्त विचारी है कित वेला कित वेला भगत होए ओए संत सिंगार ए वेला मुड़के नू लभना इथे समाधियां लाके बह जाओ महाराज खालसा शहीद हो जाएगा। सतगुरु कहन लगे एदो अगे फिर खालसे ने लेना भी की जाके तो किहो जिहा गुरु होएगा जेड़ा अपने पुत्र नू मैदाने जंग नू तोरिया होएगा ते आप उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत विच इक मिक होया बैठा होएगा। इथों सानू ए सिख्या लेनी चाहीदी है के सिख वास्ते अमृत वेले जागना कितना अति जरूरी है। इतिहास प्रेरणा स्रोत हुंदे आ जेड़े अमृत वेले नू असी रजाई च मूंह दे के नींद च खराटे मार के नगा दिंदे आ उस अमृत वेले नू संभालण वास्ते मेरे पातशाह ने इत्थे जाना तो प्यारे सिंह ते शहीद करवा ले पर उन्हां अमृत वेला नहीं खुंझण दित्ता। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੀ ਭਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਕਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣੋ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਨਜਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਤਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਭਣਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੇੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘੇਰਾ ਪੈਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂਗ ਸੀ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪੌੜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਠੰਡ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਭੱਜੇ ਆਏ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਦਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
अल्लाह खुद ही चल के आ गया जिन्हों मैं याद करता सी। आके महाराज ने चरण दोरो के धो दिते ते कहन लगा महाराज जिथे हुण पट्ठा ठंडा कीता जे उथे मेरा मन भी ठंडा करो मेरे घर विच भी चरण पाओ। सतगुरु कहन लगे साडे मगर मुगलिया सरकार लगी आ तू क्यों मुसीबत खेड़दा क्यों दुखां दीआं घड़ियां विच पैंदा। उन्हें आख्या महाराज मैनू क्यों भरमाउंदे जे क्यों टालदे जे जिथे तुहाडे चरण पैजणगे उथे मुसीबतां टल जाणगीआं। महाराज उहदे घर भी गए जदों तुरन लगे ते नैणां विचों नीर वहा के निहंग खान कहण लगा सतगुरु जी जंगा युद्धां दा समा आ गया तुहाडे दर्शन तारे फिर कदों गरीब नूं होणगे। महाराज जी सच्ची शरदा वेख के तीन फुट की श्री साहब सने म्यान एक कमर कसे का गुप्त शस्त्र मारे ने उन्होंने बख्शिश किया। निहंग खान जे तेन साढ़े दर्शन की तांग हुई ना इन्हों शस्त्रों साढ़े तेन दर्शन हो जाए करने वो दवे शस्त्र अज भी शीशे मड़े उत्थे दर्शन संगत कर दिया। जेड़े घोड़े ने पौड़ लाए से ना पट्ठे वो पौड़ा के भी दर्शन होंगे वो निशानी नाम पुरशा ने संभाल के रखी है। उस गुरुद्वारे का नाम श्री पट्ठा साहब गुरुद्वारा है। उन्हों का वैर केवल ते केवल जुर्म के नाल सी मुसलमानों का वैर नहीं सी उन्हों का। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो ये हवेली विचों निकले आ ना थोड़ी दूर गए किसी सूए ने खबर की कलगिया वाले पातशाह तुरिया जा रहा है मगर 10 लाख का घेरा पै गए। महाराज कह लगे कि अगे कि विह चो आए हैं अगे भी घेरे चो ही आए हैं। दया सिंह हूं कोई उची जगह वेख जिथे मोर्चा मदी बनाई जिन्हों असी चमकौर की कड़ी कहने एक चौधरी की हवेली सी दो भरावां की हवेली सी। दया सिंह ने जाके दरवाजा खड़काया अंदरों आवाज आई तू कौन। आख्या मैं गुरु का सिख हाँ मुसीबत का समा कलगिया वाले पातशाह ने तेरी हवेली विच थोड़ा समा ठहरना। उन्हें आख्या वो सरकार ने बागी आप पुछने जे ते मैनू बुझाणना है जे साडे वास्ते इत्थे कोई जगह नहीं। भाई दया सिंह ने आख्या वो चौधरिया जरा होश करके बोल जिथे मेरे गुरु के चरण पैजणगे उजड़िया जगह वस जाणगियां। दो भरा की वैली एक बड़ा बेचारा मरेड़ा सी उन्हें आख्या महाराज मेरे वालों खोला मैनू तो कुछ माया चाहिए। महाराज ने उन्होंने कुछ मोहर दिखा मलो मली इस हवेली सिख दाखिल हो गया। वो यार तगड़ा सी उन्होंने छड़ के भजना पिया। इतने मेरे कलगिया वाले पातशाह कुछ सिंघां नूं हुक्म कर रहे भी तुसीं गेट ते पहरा दिओ कुछ नूं कह रहे भी तुसीं आराम कर लो। जोगी अल्लाह यार खां लिखदा आंदा कई लेट के जिमी परपोश बिछा कर और पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर गोविंद भी सबास हुए खेमे में जाकर देखा तो वहां गर्द बैठे हैं गर्दन को झुकाकर है वह गुरु मुंह से निकलता है तू ही तू मुंह से निकलता। खेमा तंबू नु क्या गया तंबू च महाराज उस अकाल पुरख दे नाल एक मिक होए सतगुरु पातशाह महाराज बार सिख कोई घोड़े की काठी ते लम्मा पिया घोड़ा हिलिया दस्तार सरके उतर गया कोई खब्बी वखी पिया उन्हों सजी करवट का चेता ही भुल गया। इन्ने थके मांदे किसे चौधरी की हवेली च पे आते कलगिया वाले पातशाह तंबू चो बाहर निकलते। जब डेढ़ घड़ी रात गई जिगरे खुदा में फिर खेमे से निकल आए सरकार हवा में कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में ए खुदावंद मैं खुश हूँ तेरी रजा में। करतार से कहते थे गोवा रू रू होकर मैं कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। मालक ना गला पै के मालका मैं कल नू तेरा दिता होया परन चमकौर दी गड़ी जो पूरा करके निकल जाना।
महाराज जे कदे फिरदियां फिरदियां अपने सिख दे सराहणे वलों गुजरे हैं ना ते महाराज सिख दे सराहणे बह गए ओदी दस्तार नूं चुम्मिया ओदा मत्था चुम्मिया ओदा गला चुम्मिया सिखा तेरा गला धन है ए तेरे गले दियां अंतलियां धन हन जिन्हां ने इस गले उत्ते कल नूं दुश्मन दा वार हसदियां हसदियां बर्दाश्त कर लेना चूमा कभी दहन गलू चूमने बैठे बेअंती जो आए तो कदम चूमने बैठे धन कलगियां वाले पातशाह जे किते चमकौर दी घड़ी च अपने सिख दे पैरां वलों गुजरे है ना ते मारे ने अपने सिखां दियां पैरां दियां तलियां नूं चुम्मिया सिखा ए तेरे पैर धन हन ए तेरे पैर मुबारक हन इन्हां पैरां दे नाल तू देश दी आजादी वास्ते हरन वांगू चूंगियां मार दियां आपां निशावर कर देना ए तेरे पैर धन हन फिरदियां फिरदियां मेरे पातशाह अपने बच्चियां कोल भी आए जिन्हां नूं कहते लाडो राणी जिन्हां नूं सिख पलकां ते बिठा के उठे दिया करदे सी ते ओ बच्चे अलवेले पैर तन ते कोई कपड़ा नहीं महाराज अपने बच्चे को पहुंचे अलवेले पैर तन ते कोई कपड़ा नहीं हजूर कलगियां वाले पातशाह देख के कह रहे हैं मेरे जाना तो प्यारे हो हीरे हो मैं आज तुहाडे अंतम दीदार कर रहा तुसी कल नू मेरे को नहीं रहना मासूम हो मजलूम हो लखते दिल गोविंद हो नाचो से पले हो दुनिया हुई अंधेर जब आंख से तले हो घर बाप का बाप कटा अब तुम भी चले हो थे चार अब दो ही हो सर ये भी ना होंगे मैं शुक्र करूंगा जब ये भी ना होंगे मालका मैं तावी तेरा शुक्र करूंगा जो मेरे को दो बना होंगे तन गुरु कलगी धर पातशाह महाराज सज्जा वेख्या खब्बा वेख्या लेंदा चढ़दा वेख्या आसमान वल्ले वेख्या धरती वल्ले वेख्या ते बोल उठे जिस खित्ते में कहते थे जाना ये वही है जिस जगह पे बच्चों को पिटाना ये वही है जिस जगह से कल को लुट के जाना टिकाना ये वही है आसमान कह रहा है कि टिकाना ये वही है भाई दया सिंह ने पूछा महाराज जी पटना दे शाही मल्ला नालों आनंदपुर दे नालों इस धरती ना कोई ज्यादा प्यार है बड़े खोद इस धरती नु वेख रहे जे मेरे कलगियां वाले पातशाह आने वाले समय की लगता भाई दया सिंह सिन्हा नु करा रहे हैं कल नु इस चमकौर की गड़ी च मेरे सूरबीर योद्धा ने हस हस के जाना निशावर कर देनिया कल नु मैं 125,000 दे नाल एक एक नु इत्थे लड़ाउणा।